हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ए टू जेड स्टडी बाय दानिश में। तो दोस्तों, आज इंग्लिश ग्रामर का दूसरा लेक्चर है और इसमें हम लोग आज सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज सेंटेंस, यानी सेंटेंस किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, एन अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव अस कम्प्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि वर्ड्स का ग्रुप जो अच्छी तरह से सजा हुआ हो और जिससे हमको कंप्लीट मीनिंग मिलती हो, यानी कि पूरी पूरी अर्थ जिससे निकलती हो, उसी को सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जांपल में है, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। और दूसरा है, एम गोइंग टू आई मार्केट, दोनों में सेम वर्ड्स हैं लेकिन पहला जो है वो अच्छी तरह से सजा हुआ है और दूसरा सजा हुआ नहीं है, इसलिए पहला सेंटेंस हो जाएगा लेकिन दूसरा सेंटेंस नहीं होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है, देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस पांच तरह के होते हैं। नंबर एक, असर्टिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में सामान्य वाक्य बोलते हैं। द सेंटेंस विच मेक्स स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, यानी ऐसा सेंटेंस जिससे नॉर्मल कथन बनता हो उसी को असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, यानी सामान्य वाक्य। एग्जाम्पल में, रोहित किल्स अ टाइगर, रोहित एक बाघ मारता है। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो ये सामान्य सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस एंड्स विद फुल स्टॉप, यानी असर्टिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से ख़त्म होता है। सेकंड नंबर में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। द सेंटेंस विच आस्क्स क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी ऐसा सेंटेंस जिससे क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछा जाए उसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में, हु आर यू, आप कौन हैं। सेकंड में है, डू यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। इसमें एक पॉइंट है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद क्वेश्चन मार्क, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। आगे है दोस्तों, देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो तरह होते हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। नंबर एक, डब्ल्यू एच क्वेश्चन सेंटेंस, डब्ल्यू एच क्वेश्चन सेंटेंस। द सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद डब्ल्यू एच वर्ड्स, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हाउ मेनी, हाउ मच एट्सेट्रा इज कॉल्ड डब्ल्यू एच क्वेश्चन सेंटेंस, यानी कि ऐसा सेंटेंस जो डब्ल्यू एच वर्ड्स से शुरू हो, जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हाउ मेनी, हाउ मच एट्सेट्रा, उसी को डब्ल्यू एच क्वेश्चन सेंटेंस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, तो ये सारे जो सेंटेंस हैं वो डब्ल्यू एच वर्ड से ही शुरू हो रहे हैं, इसलिए इसको डब्ल्यू एच क्वेश्चन सेंटेंस बोलेंगे। आगे फ्रेंड्स, यस नो क्वेश्चन सेंटेंस, द सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इज कॉल्ड यस नो क्वेश्चन सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जो ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो उसी को यस नो क्वेश्चन सेंटेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या आप स्कूल जा रहे हैं। हैव वी ईट फूड, क्या हम लोगों ने खाना खाया। इज़ ही रीडिंग अ बुक, क्या वह एक किताब पढ़ रहा है। तो ये सभी सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस सभी हो जाएंगे यस नो क्वेश्चन सेंटेंस। आगे है दोस्तों, इम्परेटिव सेंटेंस, यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य। द सेंटेंस विच एक्सप्रेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज, सजेशन, फॉरबिड इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिससे ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, यानी कि आदेश का, प्रार्थना का, सलाह का, सुझाव और मना करने का बोध हो उसी को इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी एक ग्लास पानी लाओ, तो इसमें ऑर्डर का पता चल रहा है। उसके बाद है, डू नॉट वॉक इन द सन, यानी कि धूप में मत टहलो या मत दौड़ो, तो इसमें फॉरबिड यानी मना करने का संदेश है। नेक्स्ट है, प्लीज़ हेल्प टू द पोर, यानी कि गरीब लोगों की मदद करो, इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है। और इसमें एक बात ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इम्परेटिव सेंटेंस एंड्स विद फुल स्टॉप, यानी इम्परेटिव सेंटेंस जो है वो हमेशा फुल स्टॉप से ही
ख़त्म होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे दोस्तों फोर्थ नंबर में ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। द सेंटेंस विच एक्सप्रेस डिज़ायर प्रे ब्लेस कर्ज इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिससे इच्छा का, प्रार्थना का, आशीर्वाद का और श्राप का पता चले या बोध हो, उसी को ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में गॉड ब्लेस यू, गॉड आपको सुखी रखे, तो इसमें प्रार्थना का यानी कि पढ़े का बोध हो रहा है। उसके बाद आगे है मी यू गेट सक्सेस, यानी कि आप सफल हुए या फिर भगवान आपको सफलता दिलाए, तो इसमें आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है। ठीक है, उसी तरह से आगे देखते हैं, इसमें एक पॉइंट है, ऑप्टेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद मी एंड एंड्स विद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो हमेशा मे से शुरू होता है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के चिन्ह पर समाप्त होता है। आगे है दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य। द सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिससे हमको दिल की कुछ अचानक जो निकलती है भावना उसका पता चले, उसी को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि व्हाट अ प्लेस इट इज़, क्या जगह है ये। उसके बाद व्हाट अ फूल यू आर, कितना बेवकूफ़ हो तुम। तो ये सारी जो बातें हैं वो हमारे दिल से अचानक निकलती है, तो इसी को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। आगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स विद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा एक्सक्लेमेशन के चिन्ह से समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे की बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।